खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और सेहत के लिए बहुत ही पौष्टिक ऐसी ही एक रेसिपी को आज हम अपने किचन के अंदर बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लौकी का लच्छेदार हलवा। बहुत ही टेस्टी और एकदम डिलीशियस सी रेसिपी बनेगी, तो रेसिपी को पूरा देखिए और ज़रूर से बनाइए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है ये और एकदम आसान और सिंपल सी रेसिपी है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बनाना चालू करते हैं हम अपने लौकी का लच्छेदार हलवा। इसको बनाने के लिए ये मैंने 500 ग्राम लौकी ली है फ्रेश वाली और अच्छे से वॉश करके। और इसका हम सबसे पहले छिलका निकाल लेते हैं। लौकी का छिलका हमने निकाल लिया है और फिर से इसको हमने धो लिया है। और अब हम कद्दूकस करेंगे, तो इसके 4 पीस कर लेते हैं। और इसका जो वाइट वाला पार्ट अंदर का होता है उसको हमको कद्दूकस नहीं करना है, उसको अलग से निकाल देना है। ये वाला पार्ट, इसमें बीज होते हैं इसलिए। और अब एक पैन रख दिया है गैस के ऊपर और सारी कद्दूकस की हुई लौकी को हम इसके अंदर डाल देंगे। और 5 मिनट तक हम बिना कुछ मिलाए इसको ऐसे ही चलाएंगे, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर अब इसके अंदर हम 1/2 लीटर बॉयल किया हुआ दूध डालेंगे। ठंडा दूध नहीं डालना है हमको, दूध एकदम बॉईल होना चाहिए। अगर आप ठंडा दूध डालेंगे तो दूध फट सकता है इसमें। और इसको लगातार चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। इसको जब तक पकाना है जब तक कि इसका सारा दूध सूख नहीं जाता है, दूध बॉईल होने लगा है। और मीडियम फ्लेम ही रखनी है हमको, करीब 30 मिनट लगेंगे सारे दूध को सूखने में। लगातार चलाते रहना है इसको। दूध अच्छे से सूख चुका है लौकी की पेस्ट में। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे, बड़ा चम्मच। और फिर से हम इसको 15 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे घी के साथ में। अब हमको आंच को बिल्कुल धीमी आंच कर देनी है घी के साथ भूनते टाइम। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइए। ये उपवास में भी काम आती है, तो रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। घी के साथ इसकी बहुत ही अच्छी सिकाई हो चुकी है, तो इसमें हम मावा मिलाएंगे। तो ये 200 ग्राम मावा लिया है मैंने, 200 ग्राम मावा लिया है। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी मिला सकते हैं 4 चम्मच। और अगर दोनों ही चीज़ें नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं डायरेक्ट इसके अंदर चीनी मिला के। तो मावे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। मावा बहुत ही अच्छे से मिक्स होने के बाद इसके अंदर हम चीनी मिलाएंगे। ये 150 ग्राम चीनी ली है मैंने, और इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं हम। अब इसके अंदर हम नारियल पाउडर मिलाएंगे थोड़ा सा, और थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे। नारियल पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें, तो ज़रूर से मिलाइए नारियल पाउडर। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, तो हलवे जैसा परफेक्ट टेक्सचर बनाने के लिए हम इसके अंदर 1/2 ग्लास दूध मिलाएंगे। सबसे लास्ट में दूध मिलाना है हमको। हलवा बन के तैयार हो गया है, तो गैस को हम बंद कर देते हैं। तो बन के रेडी हो गया हमारा लौकी का बहुत ही टेस्टी सा लच्छेदार हलवा। रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएगी सबको। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय कीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।